स्टोरी बाबा के आज के इस एपिसोड में जिस सच्ची घटना की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना कोई बहुत पुरानी नहीं बल्कि इस मंगलवार यानी 15 अगस्त की है। और ये घटना बहुत ज़्यादा डरावनी, भयानक और रूह को कपाने वाली है। आमतौर पर शहरों में रहने वाले लोगों की अलग चुनौतियां होती हैं। यहाँ कोई इंसान घर से अपने काम पर रोजी रोटी कमाने निकलता है, लेकिन कई रूपों में मौत उसका इंतजार कर रही होती है। एक डेटा के अनुसार हर घंटे में इंडिया में 18 से ज्यादा लोग सिर्फ एक्सीडेंट से मर जाते हैं, और ज्यादातर एक्सीडेंट शहरों में ही होते हैं, लेकिन गांवों में, खेतों में, खलियानों में मौत दूसरे रूप में भी लोगों का इंतजार कर रही होती है। और इन मौतों के जिम्मेदार होते हैं इंसान नहीं बल्कि खतरनाक जंगली जानवर जैसे बाघ यानी टाइगर। किसी भी इंसान का अगर कभी भी कोई भयानक रूप सामने आए तो उसे जंगली जानवर की संज्ञा दी जाती है। जंगली जानवर यानी ऐसे जीव जो किसी को मारने से, काटने से या खाने से पहले सोचते नहीं है। टाइगर यानी बाघ ज्यादातर केसेस में गर्दन पर वार करते हैं और इससे उनके शिकार की तुरंत मौत हो जाती है। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व है, यहाँ कई सारे टाइगर रहते हैं। 9 जून 2014 को जिले का एक बहुत बड़ा हिस्सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ बाघों की संख्या बढ़ रही है और इसके लिए ग्लोबल लेवल पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व की तारीफ भी हो रही है। वर्ष 2018 में टाइगरों की संख्या 65 से ज्यादा थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बाघ टाइगर लोगों के लिए मौत का सबब भी बन चुके हैं। पीलीभीत का एक किसान अपने खेतों में पानी लगाने जाता है। ये घटना एग्जैक्टली माधो टांडा थाना के रानीगंज गांव की है। यहां पर एक किसान जिनकी उम्र करीब 55 साल और नाम राम मूर्ति था, उनकी भयानक मौत की कहानी है ये। पीलीभीत के किसान राम मूर्ति बेटे के साथ मंगलवार को जंगल से सटे इलाके में अपने गन्ने के खेत में गए थे। दोनों बाप और बेटा रोजमर्रा की तरह अपने खेत में काम कर रहे थे। राम मूर्ति का बेटा थोड़ी सी दूरी पर काम कर रहा था, तभी जंगल में झाड़ियों के बीच से एक बाघ निकलता है और किसान पर हमला बोल देता है। इसके बाद वो बाघ राम मूर्ति को जंगल में घसीट कर ले जाता है। किसान राम मूर्ति का बेटा अपने पिता को बाघ के जबड़े में देखकर चीखता चिल्लाता रह जाता है, क्योंकि गांव का इलाका था, खेत थे, दूर दूर तक जल्दी से कोई आदमी ऐसे में दिखाई नहीं देता। तो आखिर बेटा क्या करता? किसान का बेटा अपने बाप को बाघ के जबड़े में देखकर चीखता चिल्लाता रह जाता है। एक 65 से 70 किलो के आदमी को एक बाघ अपने मुंह में जबड़े में दबा कर ले जाता है। सोचिए इस जबड़े की ताकत को। उसके बाद किसान का भतीजा राम मूर्ति को बहुत देर तक ढूंढता है, मगर उनका कहीं कुछ पता नहीं चलता। जब गांव में ये पूरी घटना पता चलती है, इसके बाद कई लोग टॉर्च लेकर जंगल के अंदर खेत में गए, और उसके आगे थोड़ा जंगल है, उधर भी ये लोग राम मूर्ति को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जगह जगह ढूंढने के बाद भी जब राम मूर्ति का कहीं कुछ पता नहीं चला, तो थक हार कर ये लोग उसी रात यानी मंगलवार की रात को घर वापस लौट कर आ गए। अब सुबह होने के बाद गांव वाले एक बार फिर इकट्ठा होकर यानी बुधवार की सुबह जंगल के काफी अंदर राम मूर्ति को देखने जाते हैं। सुबह इसके बाद जो मंजर उनको दिखाई दिया वो किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी था। इन लोगों ने बाघ को दूर से देख लिया था। बाघ राम मूर्ति के सर को मुंह में दबाकर बैठा था, लेकिन अब राम मूर्ति की मौत हो चुकी थी। अब गांव वाले एक साथ थे। इन लोगों ने जब शोर मचाया तो बाघ राम मूर्ति के शव को लेकर भागने लगा। गांव वाले इकट्ठा होकर बाघ के पीछे डंडे लेकर भागने लगे, जिसके बाद बाघ ने शव को छोड़ दिया और जंगल में भाग गया। राम मूर्ति के भाई ने बताया, बाघ मेरे भाई का आधा शरीर खा गया, हमें कमर से ऊपर का हिस्सा मिला है। राम मूर्ति के शरीर के कई हिस्से गायब हैं, एक पैर की सिर्फ हड्डी बची थी और दूसरे पैर की हड्डी भी नहीं मिली। जाहिर है इस घटना के बाद गांव के लोगों का गुस्सा फूटा
उन्होंने मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम का घेराव कर दिया। वहां लोगों ने मांग उठाई कि जंगल की तार फेंसिंग करानी चाहिए ताकि बाघों को गांव के अंदर आने से रोका जा सके, क्योंकि इस तरह की कई घटना पहले भी हो चुकी हैं। एक और भयानक घटना के बारे में मैं आपको बताता हूं, तो करीब 7 महीने पहले गोकुल मलिक नाम का एक आदमी जिसकी उम्र 35 साल थी। गोकुल मलिक रोजाना की तरह गांव से 1 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के खटीमा में मजदूरी करने गया था। शाम को मजदूरी करके जब वो वापस लौट रहा था तभी गांव के पास अचानक बाघ ने उस पर हमला कर दिया। जब तक वह कुछ समझ पाता बाघ उसे पकड़कर खेत में घसीट कर ले गया। जब रात को गोकुल घर नहीं पहुंचा तो घर वालों को चिंता होने लगी। इसके बाद घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। रात भर जब गोकुल नहीं मिला तो कुछ लोगों को सुबह के वक्त गन्ने में किसी आदमी के शरीर के कुछ हिस्से दिखाई दिए। गोकुल के परिवार वालों का कहना था जब वो खेत में पहुंचे तो कहीं गोकुल की टांग पड़ी थी तो कहीं टाइगर के द्वारा खाया हुआ हाथ। टाइगर ने बेरहमी से गोकुल का शिकार कर उसे जान से मार डाला। गांव वालों ने उस वक्त मीडिया को बताया कि गांव से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर ही पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जंगल है। इस जंगल में ढेरों जंगली जानवर रहते हैं। इस गांव में कई बार बाघ जैसे और भी जंगली जानवर आते जाते रहते हैं। शाम होते ही गांव वाले घर में दुबक जाते हैं। गांव वाले ने बताया, हम लोगों ने कई बार शिकायत की लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि रात के अंधेरे में अगर गांव वाले घर से बाहर निकले तो कहीं बाघ के रूप में मौत उनका इंतजार ना कर रही हो।